यदि आपका भी सपना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट देना होगा। जी हाँ, यदि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट पर कमेंट करे जा रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या देश की तमाम बड़ी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस बार अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम CUCET के माध्यम से करा रहे हैं। तो आप सभी का बार बार, मैं तो हर वीडियो में कमेंट देखता हूँ कि सर AU का CUCET से होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो में आपको एकदम प्रूफ सहित ये बात बताने वाला हूँ। यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा। हमारा चैनल आपकी पूरी तैयारी की गारंटी ले रहा है और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी ले रहा है, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। तो देखिए, हमारे सामने यहाँ पर अमर उजाला पेपर की कटिंग है। साफ साफ यहाँ पर लिखा है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होंगे दाखिले। ठीक है, ध्यान दीजिए, और जुलाई के पहले सप्ताह में होंगे, ध्यान से समझिएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और आगे लिखा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया कि 2022-23 में जो आपका राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA है, वो स्नातक और परास्नातक में CUCET से, मतलब कि यहाँ पर एंट्रेंस लेगी। अब विश्वविद्यालयों के पात्रता मापदंड जो हैं, वो 12वीं बोर्ड के अंकों का प्रवेश पर कोई असर नहीं होगा। मतलब यदि यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या 12वीं का नंबर हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जुड़ेगा, तो ये अब यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि एक भी नंबर नहीं जुड़ेगा। UGC के दायरे में कुल तकरीबन यहाँ पर 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय आते हैं, और उसमें आपका जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी, मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूँ कि AU जो है वो खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इन 45 यूनिवर्सिटी में शामिल हो रही है। ठीक है, कुमार ने बताया कि CUCET में NCERT के 12वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि CUCET के कारण विश्वविद्यालयों की आरक्षण नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो जिनको जिस प्रकार की रिजर्व सीटें विश्वविद्यालय में मिलती थी, जैसे OBC की कैटेगरी होती है, जनरल की कैटेगरी होती है, SC ST की कैटेगरी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसका CUCET से कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि CUCET में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब एंट्रेंस हो जाएगा तो कैसे एडमिशन मिलेगा, तो आप कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाए जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।